चुका, जैसे कि यहाँ पे आप देख सके हो रेड क्रिमिनल निकल चुके। ओ भाई ये क्या हो गया रेड क्रिमिनल के साथ? भाई लोल हो गया लोल। मेरे नाम ही सिंचन है। अरे सिंचन भाई तू कितनी बार बोला यार यहाँ पे आके ना मस्ती मत किया कर। ठीक है तो गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेगा रैम चैलेंज भाई एवेंजर्स वर्सेस। जी हाँ गाइस हमारे थी एवेंजर्स वर्सेस फ्री फायर की टोली। जी हाँ गाइस तो आज बहुत मजा आने वाली है आज के इस रैंप में। एंड आज का रैंप यूनिक है तो मैं आपको सबसे पहले भाई अपना जो रैंप है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रैंप में क्या करना है अपने कंटेस्टेंट्स को। तो ये है अपना रैंप। तो इस तरीके से भाई कंटेस्टेंट्स आएंगे अपनी अपनी कार लेके। ठीक है तो आज उन्हें अपनी खुद की कार चुननी पड़ेगी। जी हाँ गाइस उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इस तरीके से वो यहाँ पे दूसरे रैंप पे आएंगे। दूसरे रैंप में आने के बाद उनको ये टायर पार करना है। टायर पार ना करे चलेगा बट कुछ भी करके मेन उनका गोल रहना चाहिए कि ये लास्ट वाला टायर पार करके वो इस एरिया में आके लैंड करे। अगर वो यहाँ पे लैंड करते हैं तो वो उनको एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है तो पांच पांच प्लेयर है सामने सामने वाली टीम में तो जिसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो जीतने वाले हैं। ठीक है तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं भाई स्पाइडरमैन के साथ। तो भाई यहाँ पे हमारे सबसे पहले आ गए हैं मकड़ी मैन। तो भाई मकड़ी मैन को भी गाड़ी चुननी होगी तो देखते हैं मकड़ी मैन को। ओहो मकड़ी मैन ने तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी चुनी है यहाँ पे। आई थिंक सो मकड़ी मैन ही जीतेंगे। तो मकड़ी मैन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सिंचन, थैंक यू सो मच। ओके तो यहाँ पे हमारे मकड़ी मैन निकल चुके हैं अपनी ब्लू कलर की गाड़ी लेकर के। एंड यहाँ पे भाई इनने स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा पिकअप लिया। 120 की स्पीड, 150 की स्पीड, भाई बहुत ही अच्छी स्पीड मेंटेन करी है। एंड यहाँ पे 220 की स्पीड से इनने टेक ऑफ लिया है। एंड यहाँ पे इनने सबसे पहला वाला व्हील पार कर चुका है। अब देखते हैं यार ये रैंप पे अच्छे से लैंडिंग कर पाते हैं नहीं कर पाते। एंड यहाँ पे इनकी लैंडिंग बहुत ही बेकार हुई है भाई। इनने दो तीन बार फ्लिप मारी गाड़ी के। एंड आई थिंक सो उनको भी निकल जाना चाहिए। एंड ये निकले तो है बट इनको पैराशूट थोड़ा जल्दी खोलना था। पैराशूट कब खोलेंगे? ओके इन्हें पैराशूट खोल लिया बट भाई बहुत ही लेट पैराशूट खोला इनने। इनको थोड़ा सा जल्दी खोलना चाहिए था पैराशूट। इनने बहुत ही लेट कर दिया पैराशूट खोलने में। अगर थोड़ा सा ऊपर पैराशूट खोलते तो चांसेस थे कि वो वहां पे जा पाते। थोड़े ज्यादा चांसेस थे, अभी भी चांसेस है बट यार यहाँ पे हवा का दबाव भी ऐसा है ना कि वो उनको नीचे खींच रहा है भाई। ये स्पाइडरमैन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ पहुँच पाए बट यार हवा ऐसी है ना भाई कि वो उसको वहाँ पहुँचने दे ही नहीं रही है। तो आई थिंक सो यहाँ पे स्पाइडरमैन नीचे लैंड कर जाएंगे। एंड इसी तरीके से स्पाइडरमैन डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यहाँ पे वो पहुँच नहीं पाए एंड अपनी टीम के लिए एक भी पॉइंट नहीं जुटा पाए। इसमें मेरी बारी है, इसमें मैं जाऊंगा करके दिखाऊंगा फ्री फायर के लिए टीम लेके, टीम के लिए एक पॉइंट लेके आऊंगा। टीम नहीं लेके आऊंगा, टीम तो है ही मेरे पास पहले से। ओके तो यहाँ पे हमारे डीनो निकल चुके हैं भाई। डीनो या डायनो पता नहीं, मेरे को इसको प्रोनाउंस करने नहीं आता अच्छे से। तो भाई यहाँ पे बाइक लेके निकल चुके हैं। एंड पिकअप बहुत ही ज्यादा बढ़िया मेंटेन करा यहाँ पे हमारे डायनो भाई ने। एंड ये क्या भाई, ये क्या हुआ भाई, लोल हो गया इनके साथ। अब इनको पैराशूट, अरे पैराशूट तो घंटा खोलेंगे अभी भाई। इनके साथ तो भाई शुरू होती खत्म हो गया यार, लोल हो गया इनके साथ भाई। भाई गंदा वाला लोल हो गया भाई, गजब बेइज्जती। कैप्टन चमरी का आ रहे हैं। ओ भाई ओए सिंचन के बच्चे, मेरा नाम कैप्टन अमेरिका नहीं है, मेरा नाम कैप्टन अमेरिका है। अब तो देख मैं कैसे जाऊंगा और अपने एवेंजर्स के लिए एक पॉइंट लेके आऊंगा। देख मेरी गाड़ी कितनी मस्त है भाई। कैप्टन ने गाड़ी तो बहुत बढ़िया चुनी है बट जितना बोल बच्चन दिया है क्या वो उतना कर भी पाते हैं कि नहीं भाई। इनने गाड़ी तो बहुत ही कमाल की चुनी सच में यार भाई। इतना ओहो हो 235 की स्पीड से भाई इनने पिकअप लिया है। एंड यहाँ पे रैंप में लैंड हो जाएंगे। एंड भाई इनने जो हैंडलिंग करी अभी भाई हवा में वो भी बहुत ही कमाल की थी। एंड अभी ये देखने की बात है कि भाई इस रैंप से वो दूसरे टायर से लेकर तीसरे टायर से भाई लास्ट में कैसे पहुंच पाते हैं ये। अब ये यहाँ पे भाई इस वाले रैंप तक अभी तक भाई कोई कैरेक्टर नहीं पहुंच पाया अपना, मतलब कोई भी अपने कंटेस्टेंट नहीं पहुंच पाए, ना ही फ्री फायर की टीम से, ना ही एवेंजर की टीम से। ये सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल अकेले कैप्टन अमेरिका इस वाले भाई टायर को भी पार कर दिया। एंड यहाँ पे बहुत ही कमाल की गजब स्ट्रेटेजी है कही कैप्टन भाई की। एंड बहुत ही कमाल के टाइमिंग पे उन्होंने गाड़ी से एस्केप करा। एंड बहुत ही कमाल के टाइमिंग पे उन्होंने भाई पैराशूट खोला। भाई एक नंबर काम कर रहे हैं कैप्टन भाई। आई थिंक सो एवेंजर्स की टीम से ये सबसे पहला पॉइंट निकालेंगे। एंड ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे लगता है ये अभी अंदर घुस जाएंगे। नहीं 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 नहीं, तो इनको भाई पैराशूटिंग करना बहुत अच्छे से आता है। एंड ये घुमा के आई थिंक सो ले लेंगे एक बार, एक ही बार शायद घुमाएंगे अभी। एंड हाँ जी हाँ गाइस अभी ये अंदर ले लेंगे। एंड इन्होंने भाई पैराशूट अंदर ले लिया। एंड एक कमाल की लैंडिंग गाइस। ओए कैप्टन वहाँ कैसे पहुँच गया? कैप्टन, कैप्टन ने जरूर कुछ ना कुछ चीटिंग की होगी।
अभी मैं जा रहा हूँ ना, अभी मैं भी फ्री फायर को एक पॉइंट दिला के रहूंगा। अभी तुम देखते रहना, मैं फ्री फायर को पॉइंट दिलाऊंगा, मतलब दिलाऊंगा। ओके, तो रेड क्रिमिनल यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई वो भी फ्री फायर को एक पॉइंट दिला के रहेंगे। तो देखते हैं गाइस ये फ्री फायर को पॉइंट दिलाने में कामयाब रहता है या ना कामयाब रहता है। तो यहाँ पे भाई अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके यहाँ पे ने आले भाई मेरे को नहीं लग पाता भाई ये फ्री फायर को भाई पॉइंट दिलाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि भाई इनकी स्टार्टिंग इतनी बेकार हुई है। एंड यहाँ पे भाई हवा के वजह से ये बहुत तेज़ी से जाएंगे नीचे, एंड आई डोंट थिंक सो वो वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे। तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देखिए इस चीज़ को। एंड यहाँ पे रुकिए, आई थिंक सो ये कर लेंगे क्या गाइस, देखते हैं यार। जिस ओहो आई थिंक सो कर लेंगे गाइस, जी हाँ ये भी कर ही लेंगे। ओके, पैराशूट बचाना होगा इनको। एंड ओ भाई साहब इन्होंने भी कर लिया। ओके, तो यहाँ पे भाई एक फ्री फायर को पॉइंट और एक जाता है एवेंजर्स को पॉइंट। हल्क तोड़ेगा, हल्क फोड़ेगा। भैया रैप मैं तोड़ देना, बस एवेंजर्स को जिता देना और कुछ मत करना तुम। ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैं निकला। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारी हरी भिंडी निकल चुकी है भाई छोटी सी गाड़ी लेकर के। एंड भाई बेचारी गाड़ी भाई क्या है भाई, मतलब उसको उसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा होगा तुम सोचो यार। मतलब भाई हल्क गाड़ी को नहीं चला रहा, गाड़ी हल्क को चला रही है भाई भाई देख रहे हो भाई तुम भाई साहब। ओ और ये यहाँ पे रैंप पे लैंड नहीं हो पाए, बट और मतलब आधा ही लैंड हुआ था। अब यहाँ पे इनको एमरजेंसी में पैराशूट खोलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इनने एमरजेंसी में पैराशूट खोल तो लिया, बट गाइस भाई हल्क का वजन तो बहुत ही ज़्यादा है, तो भाई ग्रेविटी उनको बहुत ही जल्दी नीचे पुल करेगी। तो आई डोंट थिंक सो वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे व्हील तक यार। एंड यहाँ पे भाई आई थिंक सो उनके साथ एपिक वे फेल होने वाला है। एंड यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, एंड आई थिंक सो पहुँच सकते हैं वो, बट जार टच में। ओ जार टच हो गया, ओ भाई जार टच हो गया, लोल। तो भाई यहाँ पे हमारे फ्री फायर की तरफ से आ चुके हैं जय। तो भाई देखते हैं अब ये क्या करते हैं। बॉय मेटा पी क्या आयो, और मेरे पास जादू की शक्तियाँ भी है, और मेरे को सब दिखाई भी दे रहा है। मैं जीतूंगा, मैं ये नहीं जीतने वाला, तुम देखो बस। ओके, तो जय भाई बॉलमेटा पी के आया, तो अब देखते हैं भाई बॉलमेटा का असर होता है कि नहीं होता। आई मीन यहाँ पे ये एसयूवी जो लेके आए हैं वो बहुत कमाल की एसयूवी है भाई, इतनी बढ़िया पिकअप ली एंड हवा में भी 130-150 की स्पीड मेंटेन करी। बट यहाँ पे भाई बहुत गलत तरीके से इन्होंने रैंप में लैंड कराने की कोशिश करी, बट यार पैराशूट एकदम अच्छे टाइम पे खोला इनने। बट अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं भाई कि ये कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एंड यहाँ पे भाई हवा का बहाव इतना तेज है कि भाई वो बहुत जल्दी नीचे उतर गए। ओ भाई ये तो गलत सीन हो गया। एंड यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने कोई भी पॉइंट नहीं लिया अपने टीम के लिए। कब से चिल्लाया जा रहा हो, थोर 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 भैया आए नहीं रहे। अरे थोर भैया तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, चिकली चमेली छुप के अकेली पवन खिला के क्या कर रहे हो तुम इधर, जल्दी से आओ रैंप पे यार। तुमको भाई खेलना नहीं है क्या, तुमको जिताना नहीं है अपनी टीम को। बैठे वो ना, मैं अपने एवेंजर्स टीम के लिए ना कुछ कर रहा था, एक स्पेशल डांस है, तुम नहीं समझोगे ठीक है। एंड अभी भाई तुम देखना मैं कैसे अपने एवेंजर्स टीम को जिताता हूँ। वाह नहीं भाई, मतलब तालियां होनी चाहिए भाई थॉर के लिए। भाई एक तो भाई खा के इतना मोटू हो गया, अब भाई यहाँ पे बाइक भी ऐसी बेकार चुनी है भाई। पता नहीं स्टार्टिंग में क्या डांस कर रहा था भाई, मेरे को तो लगता है भाई दारू पी के डांस कर रहा था, एंड कुछ भी बोल रहा था भाई थॉर वहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड देखते क्या थॉर पहुँच पाएंगे। एंड यहाँ पे आई थिंक सो थॉर पहुँच सकते हैं, बट तो देखते हैं यहाँ पे इनकी टर्निंग डिसाइड करती है लास्ट की, और ये यहाँ पहुँच सकते हैं। बट इनने भाई बहुत ही बेकार टर्न लिया भाई यार, इसलिए बोलता हूँ दारू पी के मत ड्राइव किया करो, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव थॉर। दारू पी के कोई भी लोग आ जाते हैं यहाँ पे मैगा रैंप करने, हम फ्री फायर वालों को कोई नहीं हरा सकता। तुम देखना अभी मैं जो ट्रक लेके आया हूँ ना, इस ट्रक से मैं जीतूंगा, तुम देखना, तुम मैं जीतते जाओ, मैं कैसे तुम नुबरों को हराता हूँ। ऐसे भी एक ही तुम्हारा टीम मेंबर बचा है, वो है आयरन मैन, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, तुम देखना मैं जीत जाऊंगा अपनी फ्री फायर की टीम को। हाँ हाँ भाई तू ही जीता अपने फ्री फायर की टीम को, बट पहले तो ट्रक तो संभाल ले भाई, तेरे से ट्रक नहीं संभाल रहा, तू जीतेगा फ्री फायर की टीम को। भाई इनने स्टार्टिंग तो बहुत ही बेकार करी है, अब भाई देखने की बात ये रहती है कि इनने जो भी शब्द बोले हैं कि वे मैं ये जिताएंगे फ्री फायर की टीम को, तो क्या है जीता पाते हैं। तो अभी यहाँ पे अपने ट्रक वापस से लेके आ चुके हैं, एंड यहाँ पे वो सेकंड रैंप तक भी नहीं पहुँच पाए हैं। अब देखने की बात ये रहती है कि भाई आदम इस टीम को जिता पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अपन, एंड आराम से देखते हैं
कि ये वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, तो भाई आई थिंक सो ये पहुंच जाएंगे, 90% चांसेस है ये वहां पे पहुंच जाएंगे, बस जार वार में कहीं अड़ ना जाए जैसे अपने हल्क भैया अड़ गए थे। तो अब ये यहाँ पे ओके एक व्हील, ओके गाइस तो यहाँ पे आदम भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हो गया भाई फ्री फायर का 2 पॉइंट। एंड ये क्या, ये क्या, इसने रेड क्रिमिनल को क्यों मारा, एंड रेड क्रिमिनल आदम को एक आदम को गोली मार रहा है। और ये क्या, कैप्टन अमेरिका भाई सोए हुए थे और अचानक से जाग गए, एंड भाई उनने भाई रेड क्रिमिनल को मार दिया, एंड वो छुपके छुपके जाके भाई पीछे पीछे छुप गए। आयरन मैन ही लास्ट बचे भाई एवेंजर्स की टीम से, एंड अगर आयरन मैन हार गए एंड उन्होंने भाई 1 पॉइंट नहीं बनाया तो भाई एवेंजर्स हार जाएगी एंड फ्री फायर जीत जाएगी। एंड यहाँ पे ये क्या देख रहा हूँ मैं भाई, आयरन मैन ने ये गाड़ी क्यों ली है भाई, पता नहीं यार, ये तो बहुत बेकार है, इनको बाइक या ये डर्ट बाइक नहीं लेनी चाहिए थी, या भाई जो भी है इनको ये नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है ऐसा ही होता है भाई, जो भी है ऐसी बाइक लेके आता है या बाइक लेके आता है भाई उसके साथ ऐसा ही होता है। एंड यहाँ पे भाई आयरन मैन का सूट बहुत हैवी है, उसके वजह से भाई ग्रेविटी उनको बहुत जल्दी नीचे पुल कर रही है, एंड यहाँ पे थोड़ी देर में ये ग्राउंड को हिट कर जाएंगे, एंड ग्राउंड को हिट कर गए, एंड यहाँ पे इस तरीके से भाई एवेंजर्स की हार होती है एंड फ्री फायर की जीत होती है गाइस। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड सब्सक्राइब करके जो घंटा है उसको दबा के ऑल पे कर दो। मैं मिलता हूँ सभी लोगों से ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड नाइट।